फिजन uh, पढ़ा था बडिंग रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेरियल ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं और हमने स्टार्ट किया था सेक्शुअल प्रोडक्शन अपने प्रीवियस लेक्चर में और आज मैं उसमें ही आगे बढ़ रही हूं uh, हम बात करेंगे आज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें हम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेक्शुअल रिपोर्डक्शन सॉरी डिफरेंट पार्ट ऑफ रिपोर्टिव सिस्टम की बात रिपोर्डक्टिव सिस्टम कौन सा है मेल रिपोर्टिव सिस्टम कौन सा है आज एक बार देख लेते हैं उसको. Flowering plant को हमने, uh, किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों एनजीओ स्पन एनजीओ स्पन राइट इस चैप्टर में जो रिप्रोक्टिव सिस्टम है रिप्रोडक्टिव पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का दैट इज फ्लावर राइट फ्लावर में हो रहा है सब कुछ फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल या इसी को हम क्या कह रहे हैं कापल ठीक है कार्पल में आपके कितनी फर्दर पार्ट हैं आपका स्टिग्मा है पेस्टाइल है आपका ओवरी ठीक है उसकी बात देखेंगे अभी हम दोबारा से उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है अंदर ठीक है और कहाँ किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है फिर आपका मेल पार्ट मेल पार्ट को क्या बोला गया है बच्चों स्टेमेन स्टेमेन आपका दो पार्ट से क्या है बना हुआ है द फर्स्ट वन इज एंथर सेकेंड वन फिलामेंट ठीक है मैंने आपको इवेंट्स uh, के बारे में बताया था फेजेस के बारे में बताया था फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्री प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने दो टर्म्स की बात करी थी जिसमें से पहला है आपका क्या गैमिटोजिनेसिस। जिनेसिस गैमिटो जिनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स गैमीट्स कैसे बनते हैं और गैमीट्स क्या हैं आपके क्या हैं आपके जर्म सेल इसी को आप क्या कहते हैं ठीक है जिनके पास हाफ सेट होता है इसका अपने अपने पेरेंट से या फिर जो प्लॉडी होती है इनकी हाफ होती है अगर मेरा टू एन पेरेंट है तो आपका जो ऑफ ये सेल्स होंगी वो क्या होंगी एन ठीक है तो गैमीट्स का प्रोडक्शन करना है फीमेल गैमीट को आप यूजुअली ओवा कहोगे और मेल का मीन वो आप कहोगे स्पर्म सिंगल ले रहे हैं तो सिंगुलर ही लेते हैं ओवम और इसको स्पर्म ठीक है लेकिन ये टर्मलॉजीज हम यूज करते हैं एनिमल्स में यहाँ हम क्या टर्म लेने वाले हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स में हैं जो फीमेल हैं ठीक है अच्छा यहां पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट है यहाँ गेमेट डायरेक्टली नहीं बन रहे डायरेक्टली आपके गेमेट नहीं बन रहे गेमेट बनाने वाली सेल्स बन रही हैं जो कि मल्टी सेलर है ठीक है एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि मल्टी है वो स्ट्रक्चर क्या है इसको बोलते हैं गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट जो गेमीट प्रोड्यूस करेंगे वो हैं गेमिटोफाइट ठीक है फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है आपका एम्ब्रियोसेक्स और आपका गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट होता है पोलन ग्रेन्स ये दोनों होगा यह आगे जाके कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं या गिर कैसे बना रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं आज ठीक है फीमेल वाला पार्ट बनाते हैं पहले हम फीमेल गैमीट देखते हैं ठीक है इस तरह से होता है आपका यही होता है दिस पार्ट इज स्टिग्मा यह पार्ट है आपका किसका स्टाइल यह पार्ट है आपका ओवरी ठीक है यह पार्ट किसके लिए है आपका फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आएगा मेल पार्ट से और यहीं पर आके आपका गिरेगा जैसे नहीं पहले बात कर लेते हैं सिर्फ इसी की गेमिटोफाइट कहां होता है यहां गेमिटोफाइट कहाँ होता है यहां पर होती है आपकी ओवरी ओव्यूल सॉरी यहां इस तरीके से बच्चों आपका ओव्यूल होता है ये जो मैंने बनाया है अभी दैट इज ओव्यूल जो ग्रीन कलर का है बच्चों, दैट इज ओव्यूल ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या है एम्ब्रियोसेक इस तरीके से एम्ब्रियोसेक है अब ये जो एम्ब्रियोसेक है इसको यहां देखते हैं हम ये एम्ब्रियोसेक होता कैसा है बच्चों यहाँ पे आपकी होती हैं सात सेल एक सेल दो सेल और ये तीन सेल ठीक है और दो सेल आपकी इस तरह से लगी होती हैं ये थोड़ी फैशनेबल सेल्स हैं तो इनके पास कुछ फैशन वाली चीज भी होगी ठीक है फिर एक सेल होती है यहाँ

एंटीपोडल्स ठीक है ये सिंगल सेल जो है ये डायन्यूक्टेड है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल सेंट्रल सेल इसके अंदर क्या है डायन्यूक्लिएटेड कंडीशन है दो न्यूक्लियस है ये हमारी एग है फीमेल गैमेट क्या होता है एग देखो यही है मेन जैसे सीड रोप्रेशन या फिर आपके एम्ब्रियो बनेगा नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो यही है और ये दोनों क्या है ये फैशनेबल से लोग हैं सिनर्जेट्स। तो फीमेल गैमेटोफाइट ये जो हमारा है एम्ब्रियोसेक ये कितने सेल्ड का है सेवन सेल्ड स्ट्रक्चर है सात सेल है इनके पास ठीक है ये कहां प्रेजेंट है ओवरी के अंदर ओव्यूल ओव्यूल के अंदर आपके ये प्रेजेंट होता है और इसको मैं दोबारा बना लेती हूं इस तरह से ये होगी तीन सेल मेरी यहां मेरी दो सेल्स है फैशनेबल वाली और यहां हो गया हमारा बना लिया मैंने ये अब ये करना क्या है देखो ये फीमेल गैमिटो अब बात कर लेते हैं मेल गैमिटो फाइट किया मेल गैमेट कैसे बन रहा है आपके ये दो स्ट्रक्चर इस तरह से था कुछ ठीक है कहा बन रहे हैं यहां इसको कट करो अगर तो यहां पर आपको ना चार पोर्शन मिलेंगे मतलब किस तरह से मिलेगा अगर मैं ऊपर से कट करके देखती हूं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये ठीक है एक दो तीन चार चार मतलब ये चार जो आपको एरियाज दिख रहे हैं इस तरह से मिलेंगे और इनके अंदर बनते हैं आपके क्या बनते हैं बच्चों पोलन ग्रेन्स ये बन रहे हैं पोलन ग्रेन्स ठीक है और ये रबचर कर जाते हैं और आपके पोलन ग्रेन्स देखा होगा आपने चुपके रहते हैं इसे करके ना ऐसे फटा हुआ होता है आप कभी गौर करना यही चीज़ ना आपकी ये ऊपर से देख रहे हैं हम कैसे देख रहे हैं ऊपर से ऊपर से देख रहे हैं हम ना इस तरह से बटरफ्लाई टाइप दिखाई दे रहा तो है ना तो ये रप्चर कर जाता है और येलो 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 ये लगे होते हैं वो क्या है आपके पोलन ग्रेन्स है ठीक है ये क्या है आपके पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स गैमीट नहीं है ठीक है जैसे फीमेल में नहीं है गेमीट तो सिर्फ ये है एग ठीक है ऐसे ही आपका इसमें आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है ये पूरी सेल है उस उस एक पूरी सेल में एक सेल ऐसे तैर रही होती है ठीक है ये पूरी सेल है उसमें एक सेल तैर रही होती है ये वाली एक सेल है पूरी और उसके अंदर ये एक और सेल है छोटी सी ठीक है इसके बाहर में ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है और जो कहीं कहीं पर एबसेंट होता है इस तरीके का होता है पोलन ग्रेन ये है एम्ब्रियोसेक और ये है पोलन ग्रेन इसमें जो गैमीट बनेगा बच्चों ठीक है, अंदर वाली लेयर है बहुत टफ लेयर होती है।, है इसे कोई नहीं तोड़ सकता ये बनी होती है, एक है जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है कि उसको तोड़ सके ठीक है तो वो इसी वजह से ये यहां पर पोर्स है ये कहीं कहीं पर एबसेंट है जिसकी वजह से ये पोर बनाती है जिसको बोलते हैं जर्म पौर, ठीक है जर्म पोर जर्म पोर प्रेजेंट होता है इंटाइन में इंटाइन एबसेंट होती है जिस जिस जगह से वहां जर्म जर्मपोर प्रेजेंट होता है लेकिन वहां इंटाइन प्रेजेंट है इंटाइन ये आपकी है ठीक है ये किससे बनी होती है सेलिनोज और पैक्मिन से ये स्पोरोन से इतना शायद नहीं है आपके में अब ये जो दो सेल्स से हैं बच्चों एक बड़ी वाली एक छोटी वाली दो सेल्स से हैं ना आपके इनके नाम क्या क्या है देखो ये जो बड़ी वाली सेल है इसको बोलेंगे वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल ठीक है वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव वर्क होगा कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं ना वो पार्ट जो कि सीड विच से सबसे अलग है जुदा है बिल्कुल तो ये अभी देखते हैं क्या करेगा इसके साथ में छुटका सा जो सेल है दैट इज जेनरेटिव सेल जनरेटिव सेल ही आपका मेल गैमिट बनाएगा दो ये जब डिवाइड करेंगे तो इनके क्या होगा आफ्टर ये यहीं पर आपके दो तरीके के मेल मेल गैमिट बनाएंगे कई बार ये होता है कि यहां जाने के बाद में ये रिवीजन होता है कई बार क्या होता है ये जो प्लांट में ही आपके जो एंथर है यहां पर इसी फॉर्म में रिलीज होते हैं मतलब तीन सेल के फॉर्म में तो अगर मैं एक बना रही हूं अभी तो हम एक को ही पढ़ेंगे ठीक है हम लोग वहां पर जाकर हम करेंगे इसको अलग प्रोसेस जब करेंगे तो फोटो की तो ये क्या है हमारी जनरेटिव सेल ठीक है यही मेल गेमिट बनाने वाली है आगे जाकर तो समझ में आ गया कि मेल और फीमेल गेमिटोफाइट या गेमिट्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है फीमेल पार्ट में यहां हो रहा है कहाँ पर ओवरी के अंदर है ओव्यूल ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियोसेक एम्ब्रियोसेक आपका ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेवन सेल्स हैं ऊपर वाली जहां पर ये ये होता है आपका ये यहां जगह से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इंट्यूगमेंट ये जो फोल्ड्स हैं आपके ना ये फोल्ड्स बना रखे हैं ये एबसेंट होती हैं इनका नाम होता है माइक्रोपाइलैंड ये भी लिख लो क्योंकि बाद में काम आएगा इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड माइक्रो पाइल एंड और इस वाले जो इसका अपोजिट एंड होता है इसको बोलते हैं चलाजल ठीक है देखो यहाँ से क्या है एपसेंट है ना ये ये घूमी हुई है ये फोल्ड्स हैं फोल्ड हो रखी हैं चीजें ठीक है जो भी हैं इंटीगमेंट्स हैं ये फोल्डेड इंटमेंट्स हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बनना है ना यहाँ पर आपके ये जो सिनर्जिट्स हैं जो स्पेशल सेल्स हैं ना फैशनेबल सेल्स हैं ये यहाँ प्रेजेंट है ठीक है यहीं पर एग है और ये जो दूसरी वाली सेल्स हैं एंटी पोर्टल्स हैं वो चल एजा लैंड पे हैं अब ये ओवरी ऐसे भी घूमी हो सकती है ओवियोल ऐसे भी घुमा हो सकता है मैंने ऐसे घुमा हुआ बनाया तो यहां आ रहा है। किसी, किसी में ऐसे होता है जहां पर, आ जाता है, तो जहां पर भी पोल होगा वहीं पर आपको दूसरी चीज ये जो ओव, आपका, बना है, वो आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक्जाण एक्जाण जहां होती है वहां पर जम्पोर बन जाता है क्या काम होगा आगे देखेंगे दो हैं आपके वेजिटेटिव और जंप जनरेटिव सेल मेल गैमेट कौन सी सेल बनाने वाली है जनरेटिव सेल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गया अब देखो ये जो फॉर्मेशन हुआ था जो भी फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे बेटा सारी सेल्स सारी सेल्स आपकी क्या होंगी n देखो ये सारी सेल्स क्या हैं n ploidy half है ploidy का मतलब क्या है ploidy का मतलब क्या है ploidy tells you about the sets of chromosome sets of chromosome number नहीं नंबर नहीं सेट मतलब कि कितने सेट है मेरे पास है। तेश्ट तेश्ट, है? तो मतलब मेरे पास तेईस क्रोमोजोम है उसे मतलब नहीं प्लॉयडी वो नहीं बताती प्लॉयी बता रही है कि तेईस क्रोमोजोम के कितने सेट्स हैं मेरे पास तेईस क्रोमोजोम डबल है तेईस तेईस दो सेट्स हैं तो प्लॉयडी क्या बताती है सेट्स अगर मेरे पास सिंगल पेयर होगा मेरे पास मेरे पास क्या होगा बच्चों सिंगल सेट होगा तो मैं होंगी क्या अगर मेरे पास सिंगल सेट होगा सिंगल सेट होगा तो मैं होंगी एन मतलब कि मोनोप्लॉइड ठीक है मेरे पास दो सेट्स होंगे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो मैं हो जाऊंगी टू एन, मैं क्या हो जाऊंगी फिर डिप्लॉइड, जो कि हम लोग हैं ठीक है अगर तीन सेट हो गए थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए 23 23 23 मतलब पूरे पूरे 23 तो क्या हो जाएंगे हम थ्री एन, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों ट्रिप्लॉइड, ऐसे अगर फोर टाइम्स फोर सेट्स हो गए क्रोमोसोम के तो 4n तब क्या हो जाएंगे टेट्राप्लॉइड ठीक है समझ लो मतलब कि ये टेट्राप्लॉइड या प्लॉडी मैं क्या बोल रही हूँ तो यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं आपकी देखो सिंगल है तो एन सेंट्रल सेल क्योंकि दो न्यूक्लियस रख रही है तो ये हो जाएगी टू एन ठीक है एक सेल के पास एन दूसरे सेल के पास एन न्यूक्लियस के पास सॉरी एग क्या हो जाएगा एन सिनेटिट्स क्या हो जाएंगे एन एन दोनों सिनेटजिट्स एन, एन 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 ये टू एन 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 ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी एन है वेजिटेटिव सेल एन जेनेटिव सेल भी एन है ठीक है ये डिवीजन करेगा एक सिंगल सेल कैसे बनाएगा वो देखेंगे बाद में ठीक है ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को आई होप आ गई होगी इसको रब करके जरा मैं यहां पर बताती हूँ कि हो क्या रहा है देखो ये जो प्रोसेस है या फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोज तो हम किसकी बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स गैमिट्स के क्या नाम है वो तुम्हें याद रखने हैं बच्चों एग बोलते हैं और उसमें पोलन ग्रेन पे मेल गैमिट को मेल गैमेट बोलेंगे आम, और कुछ याद नहीं करना है वैसे नहीं बस इतना ही है ठीक है अब यहां पर ये चीज देखो कि मेरा जो फ्लावर है ठीक है उसके पास यहां पर है या फिर इसके पास है ही नहीं है दूसरे फ्लावर के पास है अगर मैं इसको सेम फ्लावर में बता रही हूं ये फ्लावर है लेकिन एक कंडीशन क्या होती है अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर है यूनिसेक् फ्लावर है तो एक फ्लावर ऐसा होगा ठीक है ये फ्लावर है सपोज देखिए एक फ्लावर ऐसा होगा जो कि इसी सेम स्पीशीज का है जिसके पास सिर्फ क्या होंगे एंथर होंगे स्टिग्मा और ये ये फीमेल रोडक्टिव पार्ट नहीं है इसके पास मेल रोडक्टिव पार्ट है फीमेल रोडक्टिव पार्ट नहीं है इसके पास फीमेल रोडक्टिव पार्ट है तो यहाँ पर बन गए पोलन ग्रेन्स यहां पर आपका प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक एग यहां प्रेजेंट है मेल गैमेट यहां होगा तो इसको यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेनी पड़ेगी ठीक है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहां यूज़ होने वाला है तो ये जो है या फिर इसको यहां तक जाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा अब ये एनिमल्स तो है नहीं कि कॉन्शियसनेस है मूवमेंट की तो ये मूवमेंट तो कर नहीं पाते हैं इनके पास एबिलिटी नहीं है भैया मूवमेंट की कि हाँ ऐसे ऐसे घूमकर और ये ऐसे घूमकर इधर के आ जाए और पोलन ये छड़का के और हट जाएँ ऐसा तो है नहीं तो क्या होगा यहां पर यूज़ होगा यहां पर यूज़ होगा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम क्या है पॉलीनेशन देखिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों पॉलीनेशन पॉलीनेशन क्या है ट्रांसफर ऑफ मेल या मीट या मेल पॉलन ग्रेन इन टू स्टिग्मा इसको आप क्या बोलेंगे पॉलीनेशन चलो ये भी देख लेते हैं ज्यादा कुछ तो नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए देख ही लेते हैं अभी दो दिन का गैप भी है फिर आपके पास आप उसको लर्न भी कर लेंगे तो मैं जरा ये सब रब करना पड़ेगा मुझे पॉलीनेशन के लिए सो लेट मी रब और उसके बाद देखते हैं हम पॉलीशन क्या है तो बच्चों देखते हैं अब क्या देखने वाले हैं चलो देखते हैं कौन है हम लोग देखने वाले हैं अब कि पॉलीनेशन कैसे हो रहा है ना तो अभी तक हमने क्या कर लिया गैमेटोजेनेसिस गैमिटो जीनेसिस, गैमिट मतलब गैमिट का फॉर्मेशन उसमें हमने फीमेल में क्या किया वो मेल में क्या किया हमने फीमेल जो थी वो हमारी टू एन थी मेल टू एन था ठीक है हमने म्योसिस किया कितनी बार म्योसिस किया ये सब चीज़ आप इलेवेंथ में पढ़ेंगे उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर आ गया जो दोनों ही क्या थे एन क्योंकि मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन रिडक्शन डिवीजन डिडक्शन डिवीजन है तो मेरे पास क्या बना है? ये मेरी प्रोसेस क्या हुई थी गैमिटो जिनेसिस गैमिटो जिनेसिस ये क्या हुई है गैमिटो जिनेसिस जिसके बाद मेरे पास यहां पे मिल गया एग या फिर फीमेल गैमिट लिख लो एग मत मतलब लिखो यहां मिल गया मुझे फीमेल गैमिट ठीक है वो सेल सेल है सिंपल सी एक सिंपल सी ठीक है जिसका बस खाली क्या है प्लॉइडी हाफ कर दिए पेरेंट के अंदर थी ये क्या है पेरेंट्स दोनों ठीक है और इनके अंदर क्या है इनके पास क्या है जो इनके सारे सेल्स क्या है टूवेन आपके कोई भी बॉडी के सेल निकालोगे निकाले टूएन हो, हो गया ना उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनका नंबर डबल होगा उनकी जो सेट है वो डबल होंगे तो आपके कोई भी सेल कोई भी सेल बस सिर्फ खाली गेमीट्स को छोड़कर अगर गेमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल बॉडी में होते हैं पहले से मेल बॉडी में बनते रहते हैं ठीक है तो जो बनेंगे जो गेमीट्स बन रहे हैं ठीक है वो क्या होंगे हाफ होंगे अपने पेरेंट्स से जो भी सेक्शल प्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये फीमेल गैमीट हो गई ये मेल गैमिट हो गया ठीक है ये हम कर चुके हैं मे, गेमिटोफाइट के अंदर हमने बना लिया है अभी अब हम देखते हैं पोलिनेशन क्योंकि हमें ट्रांसफर भी करना है प्लांट है तो बेचारे खुद ट्रांसफर हो नहीं सकते खुद कर नहीं सकते तो हमें कुछ यूज करना पड़ेगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है तो ये क्या होता है दो तरीके का होता है क्यों दो तरीके का होगा एक होगा सेल्फ पॉलीनेशन एक होगा क्रॉस पॉलीनेशन क्रॉस पॉली अब इसको समझो कैसे इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं एक पेड़ मेरा ठीक है सेम कैटेगरी का एक और पेड़ है ठीक है अब एक और पेड़ यहाँ पे लो पहले यहां पे मेरे पास फ्लावर है एक ठीक है इस फ्लावर में मेरा फीमेल पार्ट भी है मेरे पास और मेरे पास मेल पार्ट भी है ठीक है तो इसका पोलन इसमें चला जाएगा सिंपल ठीक है इसी कंडीशन में एक और कंडीशन होती है मेरे पास फीमेल पार्ट भी है मेरे पास मेल पार्ट भी है ठीक है लेकिन क्या करते हैं हम ये वाला दूसरे कलर यूज करते हैं इसका पोलन इसी में जाएगा एक कंडीशन में या फिर ये हो सकता है कि इनका पोलन इधर चले जाए दो तरीके हो गए ना इसको घुमा के लेते हैं रुको ताकि मैं लिख सकूँ इसका पोलन हमारा ऐसे भी जा सकता है सेम प्लांट में आपका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला गया ठीक है अब एक और तरीका ये तो हो गया मेरा क्या अगर मेरा प्लांट क्या है मेरा फ्लावर क्या है बायोसेक्शुअल अगर मेरा फ्लावर क्या है ऐसा है कि उसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है तो वो कौन सा प्लांट हो जाएगा फीमेल प्लांट हो जाएगा और मेरे पास क्या है मेल पार्ट है ठीक है तो क्या ये अपने आप को फर्टिलाइज कर सकता है नहीं कर सकता इसको इसकी जरूरत है इसको इसकी जरूरत है अब देखो यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है मेल प्लांट फीमेल प्लांट में करेगा ठीक है ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को दो प्लांट इनवॉल्व हो रहे हैं दो फ्लावर इनवॉल्व हो रहे हैं इसमें एक ही प्लांट यूज हो रहा है तो इसमें जो भी ऑफिस बनेगी जो भी चीज बनेगी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्जैक्ट सेम होगा क्योंकि सारे प्लांट के अंदर एक जैसे सेल है ना सारे न्यूक्लियस में एक जैसे ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा ना आपकी पूरी बॉडी में जितने भी न्यूक्लियर सेल्स हैं उसका न्यूक्लियस अगर निकालेंगे तो उसका जो जेनेटिक मटीरियल होगा आपको कोई भी बॉडी के अदर पार्ट के सेल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो सेम जेनेटिक मेटीरियल होगा आपकी पूरी बॉडी में एक जैसे जेनेटिक मेटीरियल हर सेल के अंदर ठीक है तो इनकी बॉडी में भी होगा तो इस बेसिस पे आपके सेल्फ और क्रॉस प्लेंटेशन है सेल्फ एंड क्रॉस सेल्फ मतलब खुद के आपस में सिंगल पेरेंट ही है बॉडी तो एक ही है ना ये तो फ्लावर तो पार्ट्स हैं इंडिविजुअल तो एक ही है ना पेरेंट एक ही है देखो पेरेंट एक ही है यहाँ पेरेंट दो हैं दो प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं पे प्लांट एक ही इन्वॉल्व हो रहा है तो सेल्फिंग ठीक है सेल्फ इसमें आपके दो कैटेगरीज होती हैं बच्चों क्या होती है ऑटो गैमी और गैमी ठीक है ये दो टाइप की है गैमी मतलब सेम फ्लावर में हो रहा है ये वाला जो है ये वाला ये क्या है ऑटोगैमी यह वाला जो है वो नेटोगी चिनेटोगी इसकी स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है जैसे लग रहा है कि गलत लिखी है मैंने स्पेलिंग ठीक है तो ये हो गया तो मैं यहां पे लिख सकती हूं ऑटोगैमी में मतलब सिंगल फ्लावर सिंगल प्लांट ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं लिख सकती हूं ना इसमें क्या ही लिख सकती हूं मैं सेम प्लांट लिख सकते हैं हम सेम फ्लावर लिखो सिंगल मत लिखो सेम फ्लावर सेम प्लांट वही वाला सिंगल ठीक है इसमें क्या है प्लांट तो सेम है पर फ्लावर टू फ्लावर्स हैं या फिर डिफरेंट फ्लावर्स बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स और सेम प्लांट बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स यहां पे बिटवीन ही करो भाई बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स एंड सेम प्लांट ठीक है ये मान सकते हैं हम ये लिख सकते हैं फिर क्रॉस की बारी आती है क्रॉस में क्या हो रहा है बच्चों ठीक है इसके लिए दो टर्म्स है हमारे पास क्या क्या ब्लू से है और एलोगी दो टर्म्स है और जीनोगी ठीक है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आप बताइए क्या होगा कि बताइए नहीं मतलब सोचिए बताएंगे कैसे यहां पर क्या होगा आपका फ्लावर कौन सा है कौन सा फ्लावर है बच्चों यूनिसेक्शुअल फ्लावर है फीमेल फ्लावर या फिर बिटवीन करते हैं बिटवीन फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर एंड टू टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर इन्वॉल्व अब मैंने सेम स्पीशीज क्यों लिखा ऐसा नहीं है कि आ, रोज का पोलन ग्रीन उड़ता हुआ गया और इबिसकस मिला उसको जाके फर्टिलाइज कर दिया सेम स्पीशीज होनी चाहिए ठीक है ये ये हो गई आपकी ज़िनोगैमी दिस इज ज़िनोगैमी ठीक है ये होती है आपके बच्चों पॉलिनेशन। ठीक है समझ में आ गया पोलिनेशन क्या है हमने कैसे कैटेगराइज किया है साथ में जो इनको हेल्प कर रहा है देखो आ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑटोगैमी कराने के लिए भी हमें किसी की जरूरत पड़े ऑटोग्रामी चलो उड़ के गया इधर चला गया ठीक है बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो इस काम में हेल्प करेंगे उनको क्या बोलते हैं पॉलीनेटिंग एजेंट्स ये बच्चों बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जैसे आपका विंड हवा ठीक है गैस से एलर्जी होती है तो वो उड़ रहे होते हैं ना हवा में इसीलिए वाटर जो पानी में रहने वाले हैं उनका मीडियम क्या होगा वाटर वाटर उसको बहाते हुए ले जाएगा और फीमेल प्लांट तक पहुंचा देगा और क्या हो सकता है आपका और क्या होगा बच्चों एनिमल्स होंगे बहुत सारे जैसे इंसेक्ट्स हैं ठीक है आपके बर्ड्स होती हैं बर्ड्स आपने देखा हमिंग बर्ड होती है वो चूसने के लिए आती है Uh, उसकी लंबी सी चोंच होती है छुटकी सी है ना उसके क्या होते हैं पैरों में चिपक जाएंगे फिर वो दूसरे प्लांट पे जाएगी दूसरे फ्लावर में जाएगी वहां मिल जाएगा आपको अच्छा ये क्यों घूम रहे हैं क्योंकि फ्लावर के पास में क्या है जो हमने इससे पहले मैंने डायग्राम बनाया था कलरफुल पत्तियां क्यों होती हैं उनकी ये खुशबू क्यों आ रही होती है या उनके अंदर जो आपका लिक्विड होता है जो कि स्वीट इन टेस्ट होता है वो क्यों होता है फ्लावर क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं किसको पॉलिनेटिंग एजेंट्स को पॉलिनेटर्स को इनको अट्रैक्ट करने के लिए इनके कलर सुंदर सुंदर से कलर है खुशबू आ रही है या नेक्टर उस लिक्विड है ना स्वीट एंड टेस्ट वाला उसको नेक्टर कहते हैं ई सी टी ए आर नेक्टर ओ आर सॉरी ठीक है वो क्यों हो रहेगा ताकि अट्रैक्ट होकर आए और मेरे पोलन को उठाएं और ये फीमेल पार्ट तक जाएंगे तो वहां फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पहुंचा देंगे तो एटसेट्रा स्नेल वगैरह भी होते हैं स्नेल ठीक है एटसेट्रा बर्ड्स बैट्स भी हैं बैट वही वेम्पायर नहीं ठीक है तो ये आपकी सारी चीज़ हो गई की तो अभी तक हमने क्या करा है बच्चों हमने बात करी थी हमने जो स्टार्ट किया है टॉपिक कहां लिखूं नीचे लिख देते हैं हमने क्या स्टार्ट किया है बच्चों फर्टिलाइजेशन उसमें हमने पहला फेज पूरा कर लिया है जो था आपका प्री फर्टिलाइजेशन ठीक है प्री फर्टिलाइजेशन हमने कर लिया माने हमने क्या है किसी किसी तरह से जो फीमेल पार्ट है यहां तक अपना किसको पोलन ग्रेन को पहुंचा दिया पोलन ग्रेन है ना ये पोलन ग्रेन को अपने फीमेल स्टिग्मा पर हमने लैंड करा दिया इन पोलिनटरिंग एजेंट्स का यूज करके कि किसी भी यूज करके आपने पहुंचा दिया ठीक है इनको डिस्क्रिप्टिव वे में आप पढ़ेंगे अपने इलेवन क्लास में अभी इतना ही काफी है अब क्या होगा अब इसके बाद में क्या होगा कैसे ये अंदर जाएंगे ओव्यूल के अंदर आपका इंडियस है उसके अंदर भी आपका एक्सेल है कैसे फर्टिलाइज करेंगे वो हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे अभी नहीं करते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है कैसे आपका मेल गैमेट अंदर तक पहुंचेगा ठीक है वहां क्या होगा इसके डिविजन के बाद भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और जो फल आप खा रहे हैं उसमें से कौन सा पार्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में भी हमें एक और चीज़ बात करनी है जनरेशन की आपका जो सीड फॉर्मेशन हुआ है जो एम्ब्रियो है वो कैसे जर्मिनेट होगा या यंग वंस में कैसे कन्वर्ट होगा ठीक है फ्रूट तो एक बीच का पार्ट है ना हमने तो रिप्रोडक्शन करके नेक्स्ट जनरेशन को ऑप्टेन करना है तो नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन कैसे ऑप्टेन होगी आपका टॉपिक भी वहां खत्म होगा जब सीड जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना काफ़ी है और आई होप समझ में आया होगा पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू ऑल सॉरी